अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नुसरत बाहर किचन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। मैं आज बनाने जा रही हूँ मिसी रोटी। इसके लिए 1 कप मैदा, नहीं गेहूँ का आटा, 1/2 कप बेसन यानी चने का आटा, तेल, थोड़ा सूखा मैदा और कलाने के लिए पानी, मेथी के पत्ते और हरा धनिया। अब चाहे तो इसके बदले में कसूरी मेथी भी ले सकते हैं, मैंने फ्रेश मेथी ली है। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा हल्दी, थोड़ा अजवाइन, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 चुटकी सोडा, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और नमक हसबे जायका। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में इन सबको मिक्स कर लेंगे। गेहूं का आटा, बेसन यानी चने का आटा, धनिया पाउडर, अजवाइन, रेड चिली, हल्दी, चाट मसाला, गरम मसाला, नमक, ज़ीरा पाउडर, सोडा, बेकिंग सोडा। मेथी के पत्ते, फ्रेश मेथी और हरा धनिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट, इन सबको डालकर हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ऑयल 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हाथ से आटे को गूंद लेंगे। देखिए नाजरे, मैंने इसका डो बना लिया है। थोड़ा इसके ऊपर ऑयल डालकर 10 मिनट तक रेस्ट होने रख लेंगे ढककर। चलिए नाजरीन, 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको छोटे छोटे पेड़ियां बना लेंगे। इतने साइज के चले नाजरीन, हम इसको बेल लेंगे थोड़ा सूखा आटा लगाकर। सबसे पहले गैस ऑन कर लेंगे। तवा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह बेल कर इसको ऑयल लगाकर इस तरह चाकू से कट कर लेंगे और थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसको कली की तरह राउंड कर लेंगे।
देखिए नाजरे फूल की तरह इसको बनाकर हम दबा देंगे। अब इसको डाल लेंगे। इस तरह सभी रोटियां बना लेंगे। इस तरह कली की शेप में लपट कर इसे दबा देंगे। तवा गरम हो चुका है। इस पे थोड़ा ऑयल डालेंगे। रोटी को डालेंगे। दोनों साइड से पलट कर पका लेंगे ऑयल लगाकर। अच्छी तरह किनारों में दबाकर पका लेंगे। दबा दबा कर अब ये रोटी पक चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। अब दूसरी रोटी भी तवे पर डालेंगे। ये भी रोटी पककर तैयार हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे। देखिए नाज़रीन मिस्री रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसके साथ आलू मटर, बेबी आलू मटर ग्रेवी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। मेरे नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।